असलकम डेयर स्टूडेंट्स मैं जीशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर बेटा कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे मैं डेयर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर थ्री को जिसका सिलेबस फुल बुक है तो चलें हम अपने टेस्ट को सॉल्व करते हैं हमारे टेस्ट का पहला हिस्सा ऑब्जेक्टिव पोर्शन जिसमें हम सॉल्व करेंगे ट्वेल्व एमसीक्यूज को इन फिफ्टीन मिनट्स हमारा पहला एमसीक्यू द यूनिट्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन हमारे ऑप्शंस ए मोल पर डीएम स्केर बी मोल पर डेसीमीटर C मोल डेसीमीटर और D मोल पर डे एम क्यूब मैडे स्टूडेंट्स मोलर कंसेंट्रेशन का यूनिट मोल पर डे क्यूब होता है तो हमारा राइट ऑप्शन होगा D मोल पर डे क्यूब फॉर द एमसीक्यू नंबर वन हमारा सेकेंड एमसीक्यू ए रिवर्स रिएक्शन इज वन हमारे ऑप्शंस ए विच प्रोसीड्स

हमारा राइट right चॉइस होगा डी विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली फॉर द एमसीक्यू नंबर सेकेंड हमारा थर्ड एमसीक्यू एसिडिक एसिड इज यूज फॉर हमारे ऑप्शन ए फ्लेवरिंग ऑफ फूड बी मेकिंग एक्सप्लोजिव सी इचिंग डिजाइन्स डी क्लीनिंग मेटल एसिटिक एसिड फ्लेवरिंग ऑफ फूड में यूज होता है तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा ए फ्लेवरिंग ऑफ फूड फॉर द एमसीक्यू नंबर थ्री हमारा फोर्थ एमसीक्यू ए रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस प्रोड्यूसिस हमारे ऑप्शन ए सॉल्ट एंड वॉटर बी सॉल्ट एंड गैस सी सॉल्ट एंड एन एसिड और डी ऑप्शन है सॉल्ट एंड ए बेस मैडियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब एसिड और बेस आपस में केमिकली रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट और वॉटर फॉर्मेशन होती है तो हमारा राइट right ऑप्शन होगा ए सॉल्ट एंड वॉटर फॉर द एमसीक्यू नंबर फोर हमारा फिफ्थ एमसीक्यू व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम इट गिव्स हमारे ऑप्शन ए अल्कींस बी अलकाइंस सी अल्काइल रेडिकल और डी ऑप्शन है एरोमेटिक कंपाउंड मैडे स्टूडेंट्स जब अलकेन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन रेडिकल रिमूव आउट होता है तो बाकी जो हाइड्रोकार्बन रह जाता है अल्केन मॉलिक्यूल में उसको हम कहते हैं अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप तो डेफिनेटली हमारा राइट right चॉइस होगा सी अलकाइल रेडिकल फॉर द एमसीक्यू नंबर फाइव हमारा सिक्स एमसीक्यू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी कैरिड आउट विद हमारे ऑप्शन ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बी सोडियम हाइड्रोक्साइड सी सल्फ्यूरिक एसिड और डी है एचसीएल डे स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो हम कहेंगे कि हमारा राइट right चॉइस है सी सल्फ्यूरिक एसिड फॉर द एमसीक्यू नंबर सिक्स हमारा सेवेंथ एमसीक्यू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस हमारे ऑप्शंस ए स्टार्च बी सेलुलोज सी सुक्रोज और डी ग्लूकोज थ्रू फोटो सिंथिस प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज तो हमारा राइट right ऑप्शन होगा डी ग्लूकोज फॉर द एमसीक्यू नंबर सेवन हमारा एथ एमसीक्यू द काज ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग इज हमारे ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड बी सल्फर डाइऑक्साइड सी नाइट्रोजन ऑक्साइड और डी है ओ थ्री ओजोम डियर स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग की मेजर रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द एमसीक्यू नंबर एट हमारा नाइन्थ एमसीक्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कॉजेस इज डायरिया एंड कैन बी फेटल हमारे ऑप्शन ए टाइफाइड बी डाइजेंट्री सी कॉलरा और डी जेंडस माय डे स्टूडेंट्स कॉलरा सी ऑप्शन हमारी राइट चॉइस है फॉर द एमसीक्यू नंबर नाइन हमारा टेंथ एमसीक्यू मेट इज ए मिक्सचर ऑफ हमारे ऑप्शंस ए एफएस एंड सीयूएस बी ऑप्शन सी टू ओ एंड एफई हमारा सी ऑप्शन सी टू एस एंड एफ ई एस और हमारा डी ऑप्शन है सी यू एस एंड एफ ईओ मैड स्टूडेंट्स मेट मिक्सचर होता है क्यूप्रस सल्फाइड का और फेरस सल्फाइट का तो हम कहेंगे कि हमारा राइट right चॉइस है सी सी यू टू एस एंड एफ ई एस फॉर द एम सी क्यू नंबर टेन हमारा अलेवेंथ एमसीक्यू फॉर्मूला ऑफ पालमेटिक एसिड इज हमारे ऑप्शन ए सी सेवनटीन एच थर्टी फाइव सी डबल ओ एच बी ऑप्शन सी फिफ्टीन एच थर्टी टू सी डबल ओ एच और हमारा सी ऑप्शन सी फिफ्टीन एच थर्टी वन सी डबल ओ एच और हमारा डी ऑप्शन सी सिक्सटीन एच थर्टी वन सी डबल ओ एच स्टूडेंट्स पालमेटिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है सी फिफ्टीन एच थर्टी वन सी डबल ओ एच तो हम कहेंगे कि हमारा राइट चॉइस है सी सी फिफ्टीन एच थर्टी वन सी डबल ओ एच फॉर द एमसीक्यू नंबर अलेवन हमारा ट्वेल्थ एमसीक्यू आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू तो हमारे ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉनिंग बी आयन डाइपोल फोर्सेज सी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और डी है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज माइडेयर स्टूडेंट्स तमाम आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिजॉल्व होते हैं ड्यू टू आइन डाइपोल फोर्सेज तो हम कहेंगे कि हमारा राइट right चॉइस है बी आइन डाइपोल फोर्सिस फॉर द एमसी क्यू नंबर ट्वेल्व मेरे स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे टेस्ट का सब्जेक्टिव पोर्शन स्टूडेंट्स हमारे सब्जेक्टिव पोर्शन के दो पार्ट्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास अलाउड टाइम है वन आर एंड फोर्टी फाइव मिनट्स और सब्जेक्टिव पोर्शन के टोटल मार्क्स हैं फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर टू अटेम्प्ट एनी फाइव पार्टस फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन पहला शॉर्ट क्वेश्चन वट इज मींट बाय द टर्म केमिकल एट विलब्रियम स्टेट मैडे स्टूडेंट्स जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के तो रिवर्सिबल रिएक्शन का यह स्टेट कहलाता है डायनामिक एक्विलियम स्टेट और यहां यह बात मेंशन करना भी जरूरी है कि जब दोनों अपोजिंग रिएक्शंस यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स इक्वल हो जाते हैं तो दोनों अपोजिंग रिएक्शन स्टॉप नहीं होते बल्कि इक्वल रेट से कॉन्टिन्यूस रहते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फर्दर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन व्हाई एट एक्विलियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप माइडियर स्टूडेंट्स जब रिवर्सिबल रिएक्शन पहुंच जाता है अपनी डायनामिक एक्विलियम स्टेट पर तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं और दोनों अपोजिंग रिएक्शंस यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू रहते हैं इसलिए हम कहेंगे कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होते एट डायनामिक एट स्टेट हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की हमें बता देती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के कितनी अमाउंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं इसमें से हमें एक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट का पता लग जाता है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन हाउ कैन यू सी डेट ए रिएक्शन हैज अचीव्ड द केमिकल एक्विलिब्रियम डियर स्टूडेंट्स जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए चेंज ना हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन का ये स्टेट कहलाता है डायनामिक एक्विलियम स्टेट और यहां ये बात भी हमने मेंशन करनी है कि डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट मींस जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की दोनों अपोजिंग रिएक्शंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टॉप नहीं होते बल्कि इक्वल रेट से ऑपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यू रहते हैं और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन बी कॉन्स्टेंट हो जाती है एट द डायनामिक एक्विलियम स्टेट हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ एच प्लस आइन एक्ट एज ए लिवाइस स्टूडेंट्स एच प्लस आइन के पास एम्पटी ऑर्बिटल है जहां वो अकोमोडेट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन पेर को फ्रॉम ए लिवाइस बेस हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन पीएच व्हाट इज पीएच ऑफ प्योर वाटर पीएच नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और प्योर वाटर का पीएच सेवन होता है हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ टू मिनरल एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉमनली यूज मिनरल एसिड्स हैं इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला एच टू एस ओ फोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला एच सी एल हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड ए कॉन्जुगेट एसिड इज ए स्पीसी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोडॉन बाय ए बेस और इसकी एग्जाम्पल्स है हाइड्रोनियम आइन एंड अमोनियम आइन कॉन्जुगेट बेस ए कॉन्जुगेट बेस इज ए स्पीसी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग ए प्रोडॉन By N is acid, for example, bisulfate ion and hydroxide ion. Question number three attempt any five parts from the following questions. Write the name of four types of chemical formula of organic compounds molecular formula, structural formula, condensed formula, and डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन अनसेटेड हाइड्रोकार्बन विद देयर जनरल फॉर्मूला माइडियर स्टूडेंट्स जब कार्बन कार्बन के दरम्यान डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे अल्कि और Alkines हैं। अल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन जबकि अल्काइन फैमिली का जनरल फॉर्मूला आप बोर्ड पर देख सकते हो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अलकाइल माय डियर स्टूडेंट्स जब हम अल्काइल हेलाइड्स की रिडक्शन करते हैं तो हमें मॉलिक्यूल गेन होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो जब हम मीथाइल ब्रोमाइड को रिड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूस होता है मीथेन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इन द सेम वे जब हम इथाइल ब्रोमाइड को रिड्यूस करते हैं तो हमें गेन होता है इथेन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड और जो रिड्यूसिंग रिजेंट यूज होते हैं इस रिएक्शन में वो है जिंक और डेल्यूट एच सी एल स्टूडेंट्स एक्चुअली जिंक को जब ट्रीट किया जाता है डेल्यूट एच सी एल के साथ तो प्रोड्यूस होता है एटॉमिक हाइड्रोजन और ये एटॉमिक हाइड्रोजन फिर जब एड होता है अल्काइल हेलाइट में तो अल्काइल हेलाइड कारस्पॉन्डिंग अल्केर कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकर इसके टिपिकल एग्जाम्पल है स्टार्च एंड सेलुलस हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द जनरल फॉर्मूला ऑफ एमाइनो एसेड्स मैडर स्टूडेंट्स एमाइनो एसिड्स बाई फंक्शनल ग्रुप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है एमाइनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं एक है कार्बोक्सिल और दूसरा है एमाइनो माइडियर स्टूडेंट्स यहां यह बात मेंशन करना भी जरूरी है कि जब अल्फा कार्बन से एमाइनो ग्रुप अटैच होता है तो ऐसा एमाइनो एसिड कहलाता है अल्फा एमाइनो एसिड और जब बीटा कार्बन से एमाइनो ग्रुप अटैच होता है तो इसको हम कहते हैं बीटा एमाइनो एसिड और नेचुरली अकरिंग एमाइनो एसिड्स जनरली अल्फा एमाइनो एसिड्स होते हैं और एमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन का हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इज इट हाइड्रोलाइज इन टू मोनोसेक्राइट माइ डे स्टूडेंट्स सुक्रोज है, और जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिस करते हैं तो दो मोनोसेकर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं यानी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन

कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते ये अर्ली कॉन्सेप्ट था साइंटिस्ट का अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई सुपर नेचुरल फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करती है इन द लिविंग थिंग्स मगर फिर एक साइंटिस्ट वुलर ने इस वाइटल फोर्स थेरी को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया इन द लेबोरेटरी उन्होंने अमोनियम सानेट को हीट किया आफ्टर रीअरेंजमेंट अमोनियम सानेट कन्वर्ट हो गया यूरिया में जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इट्स मीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉन लिविंग थिंग को मिनरल को हम चेंज कर सकते हैं कंपाउंड में और यहां से एक्चुअली रेवोल्यूशन आ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इस एक्सपेरिमेंट के बाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक्वेशन नंबर फोर अटेम्प्ट एनी फाइव पार्ट फ्रॉम द फॉलिंग क्वेश्चन हमारा पहला शोर क्वेश्चन राइट डाउन द नेम ऑफ टू एसे प्रेजेंट इन दिन सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दो मिनरल एसिड्स हैं जो एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन गिव द रिएक्शन बिटवीन ओजोन एंड फ्री रेडिकल जैसा कि आप माय डेयर स्टूडेंट्स बोर्ड पर देख सकते हो ओजोन मॉलिक्यूल जब कलोरिन रेडिकल से रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ओ सी एल रेडिकल ये ओ सीएल रेडिकल फर्दर डीकोज होता है ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल में और क्लोरीन के फ्री रेडिकल में और फर्दर ऑक्सीजन के दो फ्री रेडिकल कंबाइन होकर बनाते हैं ऑक्सीजन का मोलिक्यूल यानी ओ टू हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन वट इज गिव इट्स टू सिम्टम्स जैंडस इज कॉज बाय एन एक्सेस ऑफ Bile pigments in the blood. Liver ceases to function. Or its symptoms. Eyes turn yellow. Patient feel weakness and fatigue. Our next short question. Write down two major sources of carbon monoxide and carbon dioxide. Sources of carbon dioxide and carbon monoxide. वॉल्केनिक इरप्शन बोथ ऑफ दीज गैसेज आर अमिटेड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली सेकेंड फोस्टल फ्यूल्स द मेजर सोर्स फॉर द अमिशन ऑफ दीज गैसेज इज द कंबेशन ऑफ फोस्टल फ्यूल्स जैसे कोल है पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है फोस्टल फ्यूल्स बर्ंट इन कंबेशन इंजन ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल Kill of any industry or open air fires emit carbon dioxide and carbon monoxide. Forest fire, third major cause. Forest fires and burning of wood also emit carbon dioxide and carbon monoxide. Especially when supply of oxygen is limited, emission of carbon monoxide dominates. Our next short question.

बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स तो दो हाईली पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में और यही मेजर रीजन है फॉर द हाई पोलरिटी ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल हमारा नेक्स्ट और क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हॉट वाटर। सॉफ्ट वाटर इज डैट वाटर विच प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप Hard water? Hard water is that water which does not produce leather with soap. Our next short question. What is the principle of solvay's process? Principle of solvay's process lies in the low solubility of sodium bicarbonate at low temperature. That is at 15 degree centigrade. When carbon dioxide is passed through an ammonical solution of NaCl, ड अमोनिकल्प्रो आइन ऑनली सोडियम बाई कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स तो आप इक्वेशन में देख भी सकते हो कि सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन होकर बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ टू कॉपर ओर्स कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला सी जबकि कैलकोपाइराइट के का फॉर्मूला है सी यू एफ ई एस टू मेडियर स्टूडेंट्स अब हम सब्जेक्टिव पोर्शन के लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव का ए पार्ट हाउ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्विलिब्रियम कांस्टेंट डे स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन का एक कांस्टेंट के सी वैल्यू होता है यानी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो जस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट है हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करके रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर ए सर्टन टाइम हम रिएक्शन को स्टॉप कर लेते हैं प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम और फिर दोनों के दरमियान रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं जिसे हम कह लेते हैं क्यू सी और फिर क्यू सी को हम कंपेयर करते हैं विद द के सी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन अगर क्यू सी की वैल्यू कम हो के सी की वैल्यू ज्यादा हो तो इसका मीन हम ये लेंगे कि एट दिस टाइम रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर अटेनिंग द एक्म स्टेट अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी को रिएक्टेंट्स को मिक्स करके हम रिएक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं अगेन आफ्टर ए सर्टन टाइम हम रिएक्शन को स्टॉप कर लेते हैं प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं एट डेट पर्टिकुलर टाइम और फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के दरमियान रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं क्यू सी अगर क्यू सी का वैल्यू ज्यादा है रिएक्शन का के सी वैल्यू कम है तो इसका मीन हम यह लेंगे कि एट दिस टाइम रिएक्शन इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन फॉर अटेनिंग दिलिब्रियम स्टेट अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी को हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करके रिएक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं अगेन आफ्टर ए सर्टेन टाइम हम रिएक्शन को स्टॉप कर लेते हैं प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं और फिर दोनों के दरमियान रेशियो भी फाइंड आउट कर लेते हैं एट डेट पर्टिकुलर टाइम और इसको हम कह लेते हैं क्यू सी और अगर क्यू सी का नोमेरिकल वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल हो जाए के सी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन के तो हम कहेंगे रिएक्शन इज एट एक्विलियम यानी ज बीन एस्टेब्लिश बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट तो टॉपिक का कंक्लूजन यह बना की रिएक्शन का कैसी वैल्यू हमारी हेल्प करता है डायरेक्शन ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन को फाइंड आउट करने में हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव का बी पार्ट है राइट डाउन for physical properties of acids acids have sour taste for example unripe citrus fruits or lemon juice second physical property effect on litmus paper they turn blue litmus red third corrosive in nature they are corrosive in concentrated form फोर्थ कॉन्डक्टिविटी दे आर एक्वे सोल्यूशन कॉन्डक्ट इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि एसिड्स आयोनाइज हो जाते हैं वॉटर में तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्डक्ट कर सकते हैं इन एक्वे सोल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स और इसका ए पार्ट है डिफाइन अलकाइंस ऑल्सो एक्सप्लेन टू मैथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन डे स्टूडेंट्स वो हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ऐसा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा अल्काइन यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग करेगा अल्काइन फैमिली से अल्काइन होमोलोग से और अल्काइन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस टू और अल्काइन फैमिली का सिंपलेस्ट मेंबर है इथाइन जिसका कॉमन नेम है acetylene. अब प्रेपरेशन मेथड्स की बात करते हैं माइडियर स्टूडेंट्स पहला जनरल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन फैमिली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइट डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम्स फ्रॉम टू एडजेसेंट दो एडजस्टेंट कार्बन पर दो हेलोजन और जब हम विड्रोहेलोजिनेशन तो हमें मिलते हैं कारस्पॉन्डिंग अल्काइन जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हो जब हमने ट्वीट किया वन टू डाइक्लोरोन को थ टू मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एल्कोहल एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तो हमें मिला इथाइन का एक मॉलिक्यूल पोटासियम क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल और वॉटर के भी दो मॉलिक्यूल सेकेंड मेथड डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहीलाइट्स मैडियर स्टूडेंट्स जब दो एडजेस्टेंड कार्बन पर चार हेलोजन एटम्स अटैच हो तो ऐसा हाइड्रोकार्बन कहलाता है टेट्राहेलाइट और ऐसे टेट्राहेलाइट की जब की जाए डी तो हमें मिलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काइन्स मॉलिक्यूल्स जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हो जब हमने ट्वीट किया वन वन टू टू, टू, टू टेट्रा को विद जिंक डस्ट इन हीटिंग कंडीशन तो प्रोड्यूस हुआ इथाइन एंड जिंक कलोराइट लेकिन जहां मैं जरूर मेंशन करूंगा माइडियर स्टूडेंट्स कि आपने जब ऐसे क्वेश्चंस को जो कि ऑर्गेनिक पोर्शन से रेलिवेंट हो उसको सॉल्व करना है अपनी आंसर शीट्स पे तो फाइनल मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिस्टमेटिक नेम

Easily soluble in water. They are also sweet in taste. They may be reducing or non reducing. Question number seven: Ka a e part. How is urea manufactured? Explain showing the flow sheet diagram. Urea is a nitrogenous fertilizer, it consists of 46.6% nitrogen. इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड हाईली सॉल्यूबल इन वॉटर इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल्स बट इट्स मेजर अबाउट नाइन्टी परसेंट यूज इज एज ए फर्टिलाइजर रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया अमोनिया एन एच थ्री कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू हमने स्टेप वाइज अब लिखेंगे प्रेपरेशन ऑफ यूरिया और पहला स्टेप है प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया अमोनिया इज प्रीपेड बाय द हेबर प्रोसेस वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड थ्री वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑबटेन बाई पासिंग मीथेन एंड स्टीम ओवर हीटेड निकल कैटरिस्ट इज पासन कैटरिस्ट एट फोर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एंड टू हंड्रेड एटमोसफियर प्रेशर माइड स्टूडेंट्स जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो कि नाइट्रोजन गैस का एक वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के तीन वॉल्यूम जब कंबाइन होते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट at 200 हंड्रेड प्रेशर एंड आयरन एज ए कैटलिस्ट तो रिवर्सिबली प्रोड्यूस होता है दो वॉल्यूम अमोनिया गैस के प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया इन्वॉल्व थ्री स्टेजेस फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लिक्विड अमोनिया अंडर हाई प्रेशर टू फॉर्म अमोनियम कार्बामेट यानी अमोनिया के दो मोल कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल तो सॉल्ट बनता है अमोनियम कार्बामेट सेकेंड स्टेप यूरिया फॉर्मेशन वेन अमोनियम कार्बोमेट इज इवेपोरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टीम इट डीहाइड्रेट्स फॉर्म यूरिया यानी जब हम अमोनियम कार्बामेट को स्टीम की हेल्प से इवेपोरेट करते हैं तो ये डिहाइड्रेट होकर यूरिया में चेंज हो जाता है अमोनियम कार्बामेट डीकंपोज हो रहा है यूरिया में और वाटर में थर्ड स्टेप ग्रेन्यूलेशन ऑफ यूरिया एट द स्टेज लिक्विड यूरिया इज इवेपोरेटेड टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स वेन लिक्विड यूरिया इज स्प्रेड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर अंडर प्रेशर एंड ए हॉट करंट ऑफ एयर इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बेस इट वेपोरेट्स टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स दिस इज स्टोर्ड टू बी मार्केटेड और फ्लोशीट डायग्राम को लेबल करना भी जरूरी होता है हमारा बी पार्ट क्वेश्चन का गिव समिसजेस of hot water. number one, consumption of soap. hard water consumes large amount of soap in washing purposes. stomach disorder. drinking hard water causes stomach disorders. scales. hard water is unfit for use in steam engines, boilers, and turbines because insoluble calcium and magnesium salts deposit inside. these are called scales. They are bad conductors of heat and hence more fuel is used. Busting of boilers. Insoluble calcium and magnesium sulfates not only reduce the efficiency of the engine but also cause the boiler to burst. My dear students, we have full book test number 3. मैं आपको एज ए टीचर जरूर एडवाइज करूंगा कि आप लोग दोबारा सेम टेस्ट को सेपरेट पेपर्स पर सॉल्व करो इस वे से आपका टेस्ट सॉल्व करने की एबिलिटी ज्यादा बेहतर हो जाएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़